हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। विवेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीफार्मा और बीफार्मा की ऑनलाइन परीक्षा के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे न्यूज आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं आगे न्यूज में, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थानों के डिफार्मा एवं बीफार्मा के छात्रों की सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षाएं जुलाई 2021 में ऑनलाइन कराई जाएंगी। यानी कि डिफार्मा और बीफार्मा की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन जुलाई में कराए जाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से सभी संस्थानों के निदेशक को पत्र भेजकर परीक्षा के लिए जरूरी सुझाव दिए गए हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से कहा गया है कि छात्र छात्राएं संस्थान में उपस्थित होकर अथवा अपने घर से एंड्रॉयड मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर आदि के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, आरके इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा से पहले छात्रों को अपने संस्थानों में डेमो टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट में छात्र को परीक्षा फॉर्म में भरे गए विषयों का सत्यापन, फोटो एवं नमूना एकत्रित करने का काम परीक्षा में प्रयोग में आने वाले ऐप सॉफ्टवेयर से कराया जाएगा। उनका कहना है कि इस डेमो टेस्ट का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के दौरान होने वाली परेशानी से बचाना है। ऐसे में सभी छात्र डेमो टेस्ट में अवश्य शामिल, यानी कि जितने भी डिफार्मा या बीफार्मा के स्टूडेंट हैं उनको इस डेमो टेस्ट में शामिल होना अनिवार्य है, जिससे वो जब एग्ज़ाम दें तो उसके बारे में जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के जरिए उनका एग्ज़ाम होना है उसके बारे में वो पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। इसलिए डेमो टेस्ट में शामिल होना बहुत अनिवार्य है, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आपको डेमो टेस्ट में शामिल होना ही होगा और डेमो टेस्ट में शामिल होने के लिए अपने संस्थान में जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षा बहुविकल्पीय होगा, अंतिम सेमेस्टर में 90 मिनट में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होंगे। यानी कि 90 मिनट आपको टाइम रहेगा, आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का और उसमें 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे जो एमसीक्यू टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अन्य सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50-50 प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी अदर सेमेस्टर के होंगे जिनकी वार्षिक परीक्षा, यानी कि अदर सेमेस्टर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अंतिम सेमेस्टर के पहले वाले जितने भी सेमेस्टर होंगे उनका जो एग्जाम होगा वो उनमें 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों प्रश्न पत्र में यानी कि एक प्रश्न पत्र में 50-50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50-50 क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ये न्यूज डिफार्मा बीफार्मा के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।